हेलो गाइस, अमन हेयर। और यार, तुम सब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार मेरे को एक बारी बता दो कि वैलोरेंट में तुम्हारा पिंग मतलब इतना कम कैसे आ रहा है। तो यार मैंने सोचा इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तो तुम लोगों को यार सबसे पहला जो तुम्हारा स्टेप होगा, तुम्हें एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। यहाँ पर अपनी सर्च बार पर जाओ और CMD लिखो। यहाँ पर आके तुम लोगों ने दो चीज़ें सर्च करनी है। पहली चीज़ पिंग 1.1.1.1, ठीक है, ये है, मतलब सिंपल सर्वर है ये। तो हम इस सर्वर से पहले चेक करेंगे कि हमारी एवरेज पिंग कितनी आ रही है। मेरी एवरेज पिंग आ रही है 20 ms, ठीक है। और अब हम गूगल के DNS पे चेक करेंगे तो हम देखेंगे पिंग 8.8.8.8, ठीक है। तो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारी एवरेज पिंग कितनी आ रही है। अब देखो, मेरी एवरेज पिंग जो है वो 1.1.1.1 पे ज़्यादा अच्छी आ रही है एज़ कम्पेयर टू मेरी गूगल के सर्वर पे। तो हम क्या करेंगे यार, कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा बंद करेंगे और यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे अपना नेटवर्क सेटिंग्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी नेटवर्क सेटिंग्स पे आएंगे नीचे, और ये मेरा ईथरनेट कनेक्शन है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यार, अगर तुम वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपना ईथरनेट कनेक्शन यूज़ किया करो, क्योंकि उससे भी तुम्हारी पिंग पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से तुम लोग कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर तुम आ गए मेन स्क्रीन पर। तो तुम लोग यहाँ पर जाके अपनी चेंज एडॉप्टर सेटिंग्स पर जाओगे। जैसे ही तुम अडॉप्टर सेटिंग्स पे आ गए, तुम अपना ढूंढोगे कि कौन सा ईथरनेट है। जैसे मेरा ये ईथरनेट है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद मैं ढूंढूंगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP v4, ठीक है। तो इसको ढूंढने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया यार, ये देखो, ये है ना, तुम्हें ना यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, ठीक है, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो अब मान लो मेरा 1.1.1 पे ज़्यादा अच्छा आ रहा था एवरेज पिंग, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1.1.1.1, ठीक है। तो ये करके मैं अल्टरनेट DNS डालूंगा 1.1.0.0, ठीक है। अब कुछ लोगों का 0.0 पे चलता है, कुछ लोगों का 4.4 पे चलता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि तुम 0.0 रखो, ठीक है, तो तुम्हारा थोड़ा अच्छा चलेगा। और अगर किसी का 8 पे ज़्यादा अच्छा आता है तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना, इसकी जगह 8.8.8.8 करना है, और यहाँ पे तुम्हें 8.8.4.4 करना है, ठीक है। और इसको करके तुम वैलिडेट सेटिंग्स अपॉन एग्जिट पे क्लिक कर सकते हो। ये उसी टाइम पे तुम्हारा जल्दी से हो जाएगा, और ओके करोगे तो ये तुम्हारा मतलब क्लाइंट वहाँ पे पकड़ लेगा। और इसके बाद एक बार अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करो, या तुम्हारा PC है उसको एक बार रीस्टार्ट करो, तो तुम्हारा अपने आप वो सेटिंग्स को पकड़ लेगा। और उसके बाद यार तुम अच्छे से पिंग इन्जॉय कर सकते हो। देखो, मेरे को 180 से मेरा पिंग जो है वो 110-100 के करीब करीब आ गया। तो 80 पिंग का गैप बहुत ज़्यादा होता है यार। तो अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यार जितने भी लोगों का पिंग ज़्यादा आ रहा है उन सबको शेयर करो यार। और इससे अगर यार तुम्हारा पिंग रिजॉल्व होता है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताओ भाई। और मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय बाय।